यह वैरायटी एनआरसी 142 न केवल कुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम के प्रतिपोषक कारक से मुक्त है, बल्कि लिपोक्सीजिनेस 2 एक एंजाइम होता है जो कि सोयाबीन में जो महक आती है, जो गंध आती है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो उस लिपोक्सीजिनेस 2 नाम के एंजाइम से भी मुक्त है। मतलब जो दो अनडिजायरेबल जो अवांछनीय कंपोनेंट है, घटक हैं सोयाबीन के, सोया फूड प्रोसेसिंग और सोया मील मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, वो दोनों ही घटक जो है इस वैरायटी में नहीं है, और इसको भी हमने मार्कर असिस्टेड अप्रोच से जो है विकसित किया है। ये जो वैरायटी है, आपने सुना होगा येलो मोज़ेक वायरस काफ़ी फैला है आजकल, उसके लिए प्रतिरोधी है, इसमें येलो मोज़ेक वायरस नहीं आता। दूसरी बीमारी है चारकोल रोट, जो कि किसानों को बहुत तंग करती है, उसके लिए भी यह वैरायटी प्रतिरोधी है। और ये लास्ट ईयर एक्रिप ट्रायल में जहाँ भी इन बीमारियों का प्रकोप था, इंदौर सीहोर, तो वहाँ पर इस वैरायटी ने बहुत ही अच्छा किया है। इसका कम से कम 2 टन उत्पादन आता है, और जो मेरे हाथ में इस समय पौधा है ये 65 दिन का है। आप देख सकते हैं कि फलियाँ बड़ी हो चुकी हैं और ये 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो 95 दिन में किसान भाई इस फसल को ले सकते हैं। जो दाना है, जो सीड साइज हम यदि तकनीकी भाषा में बात करें, वो भी बड़ा है। ये लगभग 13 ग्राम तक जो है इसका औसतन दाना जाता है, और यदि इसका जब पोटेंशियल की बात करें तो वो जो है 15 ग्राम तक भी पहुंच जाता है। तो यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसका जो है औसतन उत्पादन जो है मध्य क्षेत्र में लगभग 2 टन मिला है, और दक्षिण क्षेत्र में 2.4 टन के आसपास जो है इसका उत्पादन मिला है।